जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सारे लोग? उस्मान अली गफार, साजिद गंडापुर, सना, फरीना, समीर, एमन शाह और आसिम, सुमेरा मलिक, फातमा, कायनात एंड मैनी अदर्स, इस्माइल मुल्तानी, हफ्जा हसन, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। काशिफ आज टाइम नाल गया सी यार, वो आज इस्लामियत का मॉक पेपर था, कुछ बचे आ गए इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो उन्होंने पेपर देने है ना, तो उन्होंने मॉक पेपर दिया तो कहते हैं कि सर अब आप थोड़ा सा बता भी दें। मैंने कहा चलें फिर, हमने तो कभी अली गफार को मना नहीं किया, आप तो फिर भी अपने। सुमेरा मलिक बता तो दिया कि जिस तरह आज इन बच्चों को टाइम दिया है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि आप भी इसी मकाम पर खड़े हों और आपको भी टाइम देना पड़ जाए। जी मसरूर अहमद माहर, और मसरूर अहमद ने तो ऐसे कहा यार मेरा नाम भी दे दें, जिस तरह को एफएम पे मैं नाम दे रहा हूँ सारों के। और क्या जाना सर जी, साड़ा नाम भी ले लो। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? इस्लामियात की कुछ समझ आई? और तो पहले लेक्चर में किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, अभी एक क्लास हुई है आप लोगों के साथ, क्या बात है यार, आप लोग तो पहली ही क्लास में इंतजार करने लग गए हैं, कितनी मोहब्बत है आप लोगों को। अल्लाह कायम रखे आप लोगों की मोहब्बतों को। तो कहां तक पढ़ लिया था लास्ट क्लास में फहीम हमने? आपकी क्लास अच्छी होती है इसलिए थैंक यू सो मच मारिया नजीर। ले लें इस्माइल, इसमें क्या है यार? ओके फाइन, ओह थैंक यू सो मच भाई। अच्छा तीन, यानी कि मैं पढ़ा चुका हूं। ओके फाइन, अच्छा इसके अंदर ना नेक्स्ट मैं आपको करैक्टरिस्टिक इन डिटेल करवा देता हूँ एक और। और जी तो मैं ना फाइक एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक करवा देता हूँ, उसके बाद कुछ जो है वो सिंपल से हैं, इजीली रीडेबल हैं, वो फिर हम बुक से खुद भी पढ़ लेंगे, ठीक हो गया? यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक है, इस्लाम एंड ह्यूमैनिटी। आजकल आपने शायद गौर किया हो, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कहते हैं जी इंसानियत दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। कई लोग कहते हैं ना कि हम तो इंसानियत पर बिलीव करते हैं, इंसानियत कम्स फर्स्ट, इंसानियत सबसे पहले है, और हम इंसानियत की बातें करते हैं। तो यार अब हम इसके अंदर देखें कि इंसानियत है क्या और इस्लाम कैसे इंसानियत की बात कर रहा है।
जब हम बात करते हैं इस्लाम और इंसानियत की, इस्लाम एंड ह्यूमैनिटी, इस्लाम और इंसानियत, तो ये एक किस्म का ज़ैनब इस्लाम का टेस्ट भी हो जाएगा। क्या ख्याल है यार, आज अगर हम कह रहे हैं कि इंसानियत बहुत अच्छी चीज है, हमें समझ आ गई, हमें अकल आ गई कि इंसानियत होनी चाहिए, और हम कहते हैं कि इस्लाम यूनिवर्सल रिलीजन है, तो इसका मतलब इस्लाम में इंसानियत का होना बहुत जरूरी है। और हमारा अगर इंसानियत बहुत अच्छी चीज है और अगर हमें इस्लाम में ना मिली, तो फिर हम कहेंगे कि इस्लाम में कोई प्रॉब्लम है। ऐसे ही ना, यूं समझिए ये इस्लाम का एक टेस्ट भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इंसानियत को समझने की कोशिश करते हैं। क्या ख्याल है माइयों, इंसानियत क्या होती है? व्हाट इज ह्यूमैनिटी? आज अगर हमसे कोई पूछ ले कि इंसानियत, तो जवेरिया हम क्या जवाब देंगे कि इंसानियत है क्या? टू थिंक फॉर अदर्स, फीलिंग पेन ऑफ अदर्स, और दूसरों का एहसास होना, शाबाश, और हकूक देना, मदद करना, गुड, और अक्सा, हाँ, इश्फाक, इक्वालिटी का होना, शाबाश, हकूकुल इबाद देना, टू हेल्प अदर्स, ह्यूमन राइट्स, जी ईमान, शोइंग बेसिक मॉरल वैल्यूज, हमदर्द होना, एम्पथी, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, थिंक अबाउट अदर्स व्हाट यू थिंक फॉर योर सेल्फ। और हसन, अच्छा चलें देखिए यार, अगर मैं इन तमाम चीजों को इन डिटेल देखूं, तो मुझे समझ ये आती है कि आज इंग्लिश लिटरेचर भी हमें बताता है देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड अ ह्यूमेन पर्सन। आपने इंग्लिश लिटरेचर किसी ने पढ़ा तो आप लोगों को फर्क मालूम होगा कि वो कहते हैं देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड अ ह्यूमेन पर्सन, ऐसे ही है ना। और मैं अगर इसे पंजाबी में समझाऊं, पंजाबी की आप लोगों को समझ आ जाती है ना होपफुली, तो सुमेरा वो पंजाबी च कहते ने कि इंसान ते सारे ही ने, बंदे ते सारे ही ने, पर बंदे का पुत्र कोई कोई है, बंदे का पुत्र होना इंसानियत है ना। ख्याल है भाई, वो कहते हैं ह्यूमन बीइंग, इंसान ते सारे ही ने, बंदे सारे ही ने, पर बंदे दा पुत्र होना इंसानियत है। और इंसान को इंसानियत के करीब तर कौन सी चीजें हैं जो लेकर आती हैं? वो हमें पता चलता है देयर आर सर्टेन एट्रीब्यूट्स, देयर आर सर्टेन क्वालिटीज जो इंसान को इंसानियत के करीब तर लाती हैं। और वो कौन कौन सी खूबियां हैं कि इंसान के अंदर लव, केयर, अफेक्शन, मर्सी, टॉलरेंस, सिंपथी, एम्पथी, ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी, ये सारे क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। यही सारे एट्रीब्यूट्स है ना जो इंसान को इंसानियत के करीब तक लाते हैं। अब हम देखते हैं कि यार इस्लाम कैसे इंसानियत की बात करता है, हाउ इस्लाम स्पीक्स फॉर ह्यूमैनिटी। तो इस्लाम कैसे इंसानियत की बात करता है, इसमें हमें पता चलता है कि सबसे पहले नंबर पर इंसानियत के लिए फर्स्ट स्टेप होता है अच्छे इखलाक और किरदार का मुजाहरा करना। टू बी कैरेक्टरफुल इज द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। आप लोग साइकेट्रिस्ट से मिले, आज भी हम मिसाल देते हैं कि यार इंसान अगर किसी की प्रॉब्लम हल नहीं कर सकता, कम से कम अच्छे इखलाक और किरदार से बात कर ले। ऐसे ही है ना कि एथिक्स, मोरालिटी, गुड मैनरिज्म का मुजाहरा करना भी इंसानियत है। और आज हम इसको देखते हैं कि अच्छा, वो कहते हैं ना कि बंदा गुड़ ना दे, गुड़ जी गाल ते कर लवे। कहते हैं कि यार आप अगर किसी की बात अच्छे तरीके से सुन ले, उसका आधा दर्द वैसे ही कंसोल हो जाता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। यही सिंपथी कहलाती है ना कि अच्छा यार आप अच्छे इखलाक किरदार से उससे बात कर ले, उसके दर्द को समझ ले, ये इंसानियत है।
तो अगर अच्छे इखलाक को समझना इंसानियत है, तो होली प्रॉफिट भी कहते हैं ना कि मोमिनों में कामिल ईमान वाले वो हैं, द परफेक्ट अमंग द बिलीवर्स आर दोस हु आर बेस्ट इन करेक्टर। मोमिनों में कामिल ईमान वाले वो हैं जो इखलाक के आला दर्जों पर फाइज हैं। मोमिनों में कामिल ईमान वाले वो हैं जो इखलाक के आला दर्जों पर फाइज हैं। होली प्रॉफिट के बारे में अल्लाह ताला भी कुरान पाक में कहते हैं कि मैंने मोहम्मद को, होली प्रॉफिट को, आला इखलाक की तकमील के लिए भेजा है। और फिर एक और बड़ी फेमस हदीस है होली प्रॉफिट की, कहते हैं रोजे मैशर अल्लाह की नजर में सबसे बदतरीन इंसान, द मोस्ट डिसलाइक पर्सन ऑन द डे ऑफ जजमेंट बिफोर अल्लाह कौन होगा, जिसकी जबान की वजह से लोग उससे मिलना छोड़ दें। आपको पता है ना कि कई लोगों से हम मिलना इसलिए छोड़ देते हैं कि उनकी जबान हमें बड़ा दुख पहुंचाती है, बड़ी तकलीफ पहुंचाती है। अब देखिए यार, हम अपने रिश्तेदारों के सामने, फैमिली के सामने, ऑफिस में कई लोगों के सामने महज इसीलिए नहीं जाते कि यार जाएंगे वो दिल दुखाने वाली बात कर देगा, जबकि इस्लाम तो कहता है कि मोमिन तो वो है जिसके हाथ और जबान से भी दूसरा इंसान महफूज है। आपको समझ आई कि इंसानियत के लिए इस्लाम सबसे पहले क्या कहता है, करेक्टरफुल बन जाए, आला इखलाक के मालिक बन जाए। अच्छा, इसके बाद फिर करेक्टरफुल होने के बाद सेकंड नंबर पर आप सारे लोग मुझे बता रहे थे कि दूसरों की केयर करना, दूसरों की मदद करना भी इंसानियत है। और इकरा, लोग इसके लिए हमें मिसालें देते हैं अब्दुल सतार ईदी की, लोग मिसालें देते हैं छिपा वेलफेयर की, लोग मिसालें देते हैं कि यार आप इतने बड़े बड़े ये लोग हैं, एनजीओज हैं, इदारे हैं जो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। तो यार अगर दूसरों की मदद करना इंसानियत है, तो इस्लाम ने हमें कंसेप्ट दिया है सोशल वर्क का। सोशल वर्क को उर्दू में हम कहते हैं सदका जारिया, सदका जारिया। इस्लाम में कोई भी इबादत इंसान को मरने के बाद फायदा नहीं पहुंचा सकती सिवाय सदका जारिया के। इस्माइल, अब ये सदका जारिया के काम कौन से हैं? सदका जारिया के तमाम काम वही हैं जो इंसानियत को फायदा पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी का बंदोबस्त कर दें, आप फूड का बंदोबस्त कर दें, आप शेल्टर का बंदोबस्त कर दें। अच्छा, और कुछ नहीं कर सकते, किसी को पढ़ा दें, ऐसे ही है ना कि इल्म भी सदका जारिया है। और आसिम, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर ही हटा दें, वो भी सदका जारिया है। तो इस्लाम तो हमें 1400 साल पहले से बता रहा है कि आप जो है वो सदका जारिया के काम करें। अच्छा, इसके बाद फिर कहा जाता है कि जी, इसके बाद फिर कहा जाता है कि दूसरे लोगों की केयर करना, दूसरे लोगों की आयादत करना, उनका ट्रीटमेंट करना इंसानियत है। दूसरे लोगों की केयर करना, उनका ट्रीटमेंट करना इंसानियत है, जैसे अभी रुतफाओ की मिसाल इन्होंने दी हुई थी। तो यार हम भी कहते हैं कि वाकई इंसानों की मदद करना, उनकी केयर करना इंसानियत कहलाता है। लेकिन हमें सबक भी तो मिलता है कि होली प्रॉफिट क्या कहते हैं कि हदीसे कुदसी है कि अल्लाह ताला कहते हैं जो किसी बीमार की आयादत के लिए नहीं जाता, रोजे मैशर अल्लाह ताला उससे भी सख्त नागवारी का इजहार करेंगे। तो इस्लाम में बीमार लोगों के, सिक लोगों के भी हकूक हैं कि जो बीमार हैं उनकी आयादत की जाए। अच्छा, इसी के साथ साथ फिर आप देखें कि हम बात कर रहे हैं इंसानियत की मदद की, तो कहा जाता है कि जो अपनी दौलत दूसरे लोगों के ऊपर खर्च करता है वो भी इंसानियत है, जैसे हातम ताई, और जैसे हम आज के दौर में एग्जाम्पल दे सकते हैं बिल गेट्स की, कि ये बड़े इंसानियत के काम कर रहे हैं। ऐसे ही है ना कि अपनी कमाई हुई दौलत दूसरों पे खर्च करना अगर इंसानियत है, जैसे बिल गेट्स कर रहा है, जैसे हातम ताई ने किया है, तो अल्लाह ताला भी कुरान पाक में हमें कहते हैं कि तुम ज़कात दो। और फिर कहा गया कि ये ऑब्लिगेटरी वर्शिप है, ज़कात देना जरूरी है। अच्छा, फिर ज़कात किन को दें?
जकात किनको दे, तो पता चला कि यार जकात की रकम ना तो मस्जिद को दी जा सकती है इरफान, और ना जकात की रकम मोहम्मद और आले मोहम्मद को दी जा सकती है। कि लोग ये ना कहें कि मोहम्मद ने जकात के नाम पर अपने खानदान को अमीर करना शुरू कर दिया। तो काशिफ, जकात की रकम आखिर जाती कहां है? ना अल्लाह को मिल रही है, ना अल्लाह के रसूल को मिल रही है। तो आज हमें पता चलता है कि कहा जकात पहला हक आपके अपने रिश्तेदारों का है। अच्छा यार, दूसरे लोगों की मदद करते हैं, और यही लोग हमें सिखाते हैं फातिमा कि चैरिटी बिगिंस एट होम, ऐसे ही है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पता चला कि यार इस्लाम भी तो कह रहा है पहले आप अपने रिश्तेदारों की मदद करें, अपने गली मोहल्ले के लोगों की मदद करें, फिर बाकी लोगों की जाके मदद करें। इसके बाद फिर आप लोगों ने बताया कि ह्यूमन राइट्स, हकूकुल इबाद पूरे करना भी इंसानियत है। यार अगर इंसानी हकूक की बात करना इंसानियत है, तो सबसे पहले हमें पता चलता है खुतबा हिज्जतुल विदा, और खुतबा हिज्जतुल विदा में हमें बताया गया है कि इंसानियत क्या है। सुमेरा, आप देखिए ना, खुतबा हिज्जतुल विदा में प्रॉफिट हमें बताते हैं कि स्लेव्स के क्या राइट्स हैं। आज आपको सोशल मीडिया के ऊपर ना सुमेरा ऐसी पोस्टें मिल जाएंगी जिसमें कहा जाता है कि यार आप जाते हैं होटल में खाना खाने के लिए, आपका नौकर आपका मुंह देखता रहता है, ये भी कोई इंसानियत है? यार आप इमेजिन करें कि 1400 साल पहले होली प्रॉफिट कहते हैं कि गुलामों के मामले में खुदा से डरो, जो तुम खुद खाते हो इनको खिलाओ, जो तुम खुद पहनते हो इनको पहनाओ। कि असल इंसानियत ये है कि आपके और आपके नौकर का लिबास, आपका और आपके नौकर का खाना एक जैसा होना चाहिए। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। अच्छा, इसी तरह रेसिज्म, रेसिज्म की बात की जाती है ना कि कहते हैं जी ब्लैक लाइव्स मैटर्स अलॉट। मुझे तो लगा कि थे इस्माइल तो काला थे नहीं, तू जिन्हें प्यार नाल कमेंट लिखे है वो, फॉर एग्जांपल डेरन समी, वो कहते ने काले ने ते ही होया देला, इन्हें तो दस्ती काले हैं ते हकूक ले गाल कीती है, इस्माइल कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हमें बताएं तो हम किसी पार्लर वाले से आपका कांटेक्ट करा देते हैं, उनको थोड़ा जो है वो आरजी तौर पे टेम्परेरी तौर पे गोरा चिटा कर दे, तो रेसिज्म के हवाले से आज भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक मिसाल दी इस्माइल ने, कि आज भी हम देखते हैं जॉर्ज फ्लॉयड के बाद कितना बड़ा मसला है कि ब्लैक लाइव्स मैटर्स। हमें पता चलता है मार्टिन लूथर किंग की और डॉक्टर इरफान, तुम वाकई डॉक्टर हो? पहले तो तुम मुझे ये बताओ बच्चे कि डॉक्टर इरफान आर यू रियली अ डॉक्टर, और तुम्हारी डिग्री है तो कौन सी यूनिवर्सिटी से है, वो कौन से उससे है भाई, मेडिकल कॉलेज से? पुत्र, जॉर्ज फ्लॉयड वाला वाकया अमेरिका में हुआ और तुम कमेंट में लिख रहे हो ही इज टॉकिंग अबाउट अफ्रीकन कंट्रीज। पुत्र गाल ओ कर जेड़ी समझते आवे, जॉर्ज फ्लॉयड इंसिडेंट कौन से अफ्रीका के मुल्क में हुआ है? डॉक्टर साहब खैर हुए? और तेरी खैर, अच्छा अच्छा बस मुझे आज याद आ गया, ये डॉक्टर किंजा वाली क्लास है, माशाल्लाह। डॉक्टर किंजा के बाद से तो मेरा डॉक्टर से भी भरोसा उठ गया था और किंजा से भी। बस वो कहते हैं अल्लाह ताला दुनिया में ही दिखा देते हैं, वाकई मैंने तो ऑनलाइन ही देख लिया था। वो कहते हैं अल्लाह ताला दुनिया च वखांदा, आजकल तो अल्लाह ताला ऑनलाइन भी वखा रहा है। तो एनी हाउ हम रेसिज्म की बात कर रहे थे उस्मान, तो हमें पता चलता है कि यार अगर काले और गोरे के लिए इतना बड़ा इशू बनाया हुआ है, लोग ब्लैक लाइव्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बस किंजा आप यकीन माने हमारी हर चीज ही उठ गई। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं, वो कहते हैं ईमान भी नहीं रहा, दिल भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा।
तो चलें यार, अगर मैं बार बार जो है वो किंजा का नाम ले रहा हूं, तो मैं इसहाक का नाम भी लेता हूँ, मसरूर का नाम भी लेता हूँ, मारिया का नाम भी लेता हूँ। अच्छा देखो, डॉक्टर इरफान पार्ट टाइम पेंटर भी है। डॉक्टर इरफान, अगर तू पुत्र लकीर ही पाणिया ने, ते तू कितने टरका दे पीछे जाके अपनी आर्टिस्ट गिरी वखा, तू कितने गटरा दे ढकना ते कोई तस्वीर बना, तू कितने कुछ दीवारा उत्ते कुछ लिख के ला, तू मेरी क्लास ही मिली है लिखण लई। ये मैं ते पहले ही किया है डॉक्टर इरफान, मन तेरे उत्ते शक है, तेरे डॉक्टर होने ते भी शक है, गल विच होर है, एडा वड्डा तू आर्टिस्ट है, वे लाल लकीर पा रहे है और समझता है कि कितने फड़िया नहीं जाएगा, इन्हें हले तक गाना नहीं सुनिया कि सब फड़े जाएंगे। लो जी, पिछली दफा डॉक्टर किंजा को देखा था, अब हमने डॉक्टर के साथ इरफान को भी देख लिया है, कल्ला भी क्लास नहीं ला रहा, नाल दो बंदे भी बुलाए ने, वेखो जरा यदि हरकता, वेखो जरा, पिछली दफा हमने डॉक्टर किंजा को देखा था, इस दफा हमने डॉक्टर इरफान को देखा, और डॉक्टर इरफान तू डॉक्टर अलग बिठाया है, इरफान अलग बिठाया अपने नाल है, और अल्हम्दुलिल्लाह दोवे कैमरे नु वेख कैवे रहे ने, जैवे बंदा बंद गटरा की तरफ वेखदा है, ये दोवे कैमरे वाल वेख कैवे रहे ने। मैं तो ये हैरान हाँ कि कैमरे नु भी कोई एवं वेखदा है जैवे लोग झोंक के गटरा वाल वेखते हैं कि बंद कितों होया है, और कोआर्डिनेटर कितने है मेरी क्लास का। तो मैंने अब वो कर दिया है डिसेबल एनोटेशन, तो एनी हाउ हम इसे जरा टॉपिक को पहले कंप्लीट कर लेते हैं कि यार अगर ब्लैक लाइव्स के लिए बात करना इंसानियत है, तो हॉली प्रॉफिट हमें बताते हैं 1400 साल पहले कि यार किसी अरबी को अजमी पर और किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं है, और तुम सब आदम की औलाद हो। यार अगर आज कोई अपने रंग नस्ल या कलर की बुनियाद पर अपने आप को सुपीरियर समझता है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हॉली प्रॉफिट सिखा कर गए हैं कि तुम सब आदम की औलाद हो, कितना क्लियर कंसेप्ट है हमारे लिए। अच्छा, इसके बाद फिर आजकल ना आप लोगों को ह्यूमन राइट्स के साथ साथ एनिमल राइट्स के लिए भी बात करने वाले लोग मिलेंगे, और कहा जाता है कि यार जानवरों के हकूक के लिए भी बात करना इंसानियत है। आपने देखा है कि आज ना कई एनजीओज हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनिमल राइट्स के लिए भी काम कर रही हैं। इकरा, आपने शायद नोट किया हो, लास्ट ईयर ना इंडिया की एक रियासत है केरला स्टेट, वहां पर एक एलिफेंट को क्रैकर के जरिए मारा गया था, तो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना हुआ था कि एनिमल लाइव्स मैटर्स। आपने देखा, किसी के जहन में हो, वेरी गुड अमन। तो यार अगर जानवरों के हकूक की बात करना भी इंसानियत है, तो हमें पता चलता है सना के हॉली प्रॉफिट रेप्रीमांडेड अ पर्सन जस्ट बिकॉज हिज कैमल वाज थर्स्टी, कि प्रॉफिट ने एक शख्स को डांटा कि उसका ऊंट सिर्फ प्यासा था। अच्छा सुमेरा, इसके बाद फिर मजीद हम देखते हैं तो पता चलता है कि एक औरत को जहन्नुम इसलिए सुनाई गई कि उसने बिल्ली को भूखा प्यासा बांध के मार दिया था। और आरिफ, अगर हम मजीद देखें, आपको पता है फतेह मक्का के मौके पर क्या हुआ? फतेह मक्का, जब हॉली प्रॉफिट मक्का शहर के अंदर दाखिल होने लगे ना, तो प्रॉफिट के साथ 1 लाख का लश्कर था। अली, कितने लोग थे प्रॉफिट के साथ? 1 लाख लोग। अब यार वो 1 लाख लोगों के होते हुए प्रॉफिट जब दाखिल हो रहे थे ना शहर के अंदर, अब आपको पता है कि मक्का वो शहर है जहां से प्रॉफिट को रात के अंधेरे में निकलना पड़ा, और रात के अंधेरे में प्रॉफिट ने भी हिजरत की। तो जब प्रॉफिट 1 लाख के लश्कर के साथ उस शहर के अंदर दाखिल हो, तो आप इमेजिन करें कि क्या शान होगी। तो प्रॉफिट ने देखा कि एंट्रेंस ऑफ मक्का, जो गेट था, जो दरवाजा था, जो रास्ता था, वहां पर एक कुतिया ने 2 या 3 के करीब बच्चे दिए हुए थे, और वो उन्हें फीड करा रही थी। प्रॉफिट ने अपने 2 सहाबियों को बुलाया और उन्हें उसके पास खड़ा कर दिया, कहा यहां से मेरा लश्कर गुजरेगा, आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये डिस्टर्ब ना हो। ये नहीं कि उन्हें उठाया और उन्हें कहीं परे फेंक दिया या उन्हें साइड पे कर दिया। आप इमेजिन करें कि 1 लाख का लश्कर गुजरा, लेकिन प्रॉफिट ने 2 बंदों की ड्यूटी लगाई कि जब तक लश्कर पूरा गुजर ना जाए, आपने यहां पर खड़े रहना है कि ये डिस्टर्ब ना हो। तो एनिमल राइट्स के बारे में इस्लाम हमें बताता है,
कि जानवरों के भी क्या हकूक हैं। इसके बाद फिर आज ना हमारे यहाँ कई लोग हैं जो बड़े एनवायरमेंटलिस्ट बनते हैं और कहते हैं कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर भी बात होनी चाहिए। एनवायरमेंटलिस्ट है ना, एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो माहौल के बारे में बात करते हैं। आज हमें सिखाया जाता है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्या है। आपने शायद ये कभी वर्ड सुना हो, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए। सिखाया जाता है कि यार आप ट्री प्लांटेशन करें, आप जो है वो कूड़ा क्रिकेट ना फेंकें। यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को ले जाया जाता है कि एज अ वॉलंटियर वो लोग ट्री प्लांटेशन करते हैं। तो यार हॉली प्रॉफिट हमें सिखाते हैं इशफाक कि सरसब्ज दरख्त लगाना सदका जारिया है और जंग के दौरान दरख्त को काटना जुर्म है। और हॉली प्रॉफिट की बड़ी फेमस हदीस है, कहते हैं डू नॉट वेस्ट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इवन इफ यू आर सिटिंग ऑन अ रनिंग स्ट्रीम, के यार अगर आप बहते दरिया के किनारे पर भी बैठे हैं तो आपने पानी को जाया नहीं करना है। इसके बाद फिर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यतीमों की कफालत करना भी इंसानियत है। आपने नाम सुना है मदर टेरेसा का, कि उसने एक यतीम खाना बनाया था और लोग बड़ा ट्रिब्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने बड़ी इंसानियत की खिदमत की है। तो यार हम देखते हैं, आप में से शायद किसी ने नाम सुना हो दलाई लामा का। नाम सुना है किसी ने दलाई लामा का? दलाई लामा बड़े फेमस तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर हैं, बुद्ध मत के ना बड़े रूहानी पेशवा है। तो काशिफ, दलाई लामा ने 2015 में एक इंटरव्यू दिया और 2015 के अंदर दलाई लामा कहता है कि द क्लासिकल एग्जाम्पल, क्या कहता है, द क्लासिकल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, के इंसानियत को समझने के लिए सबसे बड़ी मिसाल नबी करीम सल्लम हैं कि जो खुद तो यतीम थे लेकिन उन्होंने वो रियासत कायम की जो यतीमों की कफालत करती थी। कितने बड़े अल्फाज हैं काशिफ इनके, कि प्रॉफिट वाज एन ऑर्फन बट ही एस्टेब्लिश द स्टेट ऑफ मदीना विच वाज द कस्टोडियन ऑफ ऑर्फन्स। आप इमेजिन करें कि रियासत मदीना को आज भी फलाही रियासत कहा जाता है। हम जो है वो कभी भी ये नहीं कहते कि उस जमाने में रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर थी और फलाही रियासत थी। हम हमेशा कहते हैं कि नहीं जी, रियासत मदीना ही फलाही रियासत थी। तो जब मैं इन सारी टीचिंग्स को कंक्लूड करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि जी इस मैं कह सकता हूं कि इस्लाम इज द ओनली रिलीजन डेट हैज बीन द फ्लैग बैरियर ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर द लास्ट 1400 ईयर्स, कि इस्लाम तो 1400 साल इंसानियत की बात। अच्छा आप देखिए कि लोग पता है क्या सवाल करते हैं, क्या सिर्फ इस्लाम है जो इंसानियत की बात करता है? मैं कहता हूं जी, सिर्फ इस्लाम ही है जो इंसानियत की बात करता है। हिंदुइज्म में तो शूदर का तस्वुर है, हिंदुइज्म कब से इंसानियत की बात करने लगा? हम जब देखते हैं जुडाइज्म में तो यहूदी अपने आप को सुपीरियर कहते हैं। पता है ना आपको कि यहूदी अपने आप को सुपीरियर कहते हैं, वहां पर भी कोई इंसानियत का तस्वुर नहीं है। क्रिश्चियनिटी में इंसान को गुनाहगार कहा जाता है, वहां पर भी इंसानियत का तस्वुर नहीं है। सिर्फ इस्लाम है जो इंसानियत का तस्वुर देता है। यहां पर याद रखना आप कि अक्सर लोगों से जब मैं बात करता हूं ना, तो आज हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यार हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यार हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि लोग जो है वो टारगेट करते हैं कि जी आप मुसलमानों को देखें, आप मुसलमानों
के करेक्टर को देखें तो यार मुसलमानों को देखना और उनके करेक्टर को देखना इज समथिंग एल्स। लेकिन अगर हमने इस्लाम को समझना है तो इस्लाम को समझने के लिए हमें कुरान और सिर्फ हॉली प्रॉफिट को देखना पड़ेगा। हम मुसलमानों के करेक्टर रिलेट नहीं कर सकते। और यही मेरी आप लोगों के लिए भी एडवाइस है कि आज हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं ना, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी आप मुसलमानों को देख लें, हमारे रिलीजियस क्लैरिक्स को देख लें। तो यार हमारे जो रिलीजियस क्लैरिक्स हैं, हमारे जो भी यहाँ पर मजहबी लोग हैं, हमें अगर इस्लाम को समझना है तो वो कुरान और हॉली प्रॉफिट से समझना है। और हॉली प्रॉफिट से क्यों? क्यों? कुरान में अल्लाह ताला ने खुद कह दिया है कि ये अगर कोई रोल मॉडल है तुम्हारे लिए, अगर कोई उस्वा हसना है तो वो सिर्फ और सिर्फ नबी की जात है। होपफुली अब आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे। और ये डॉक्टर इरफान ने क्या लिखा है, सर दिस इज नॉट द वे टू ट्रीट स्टूडेंट्स। ओके डॉक्टर इरफान, तो आई एम प्राउड टू बी अ डॉक्टर। ओके फाइन, और इट्स नॉट मजाक। ओके फाइन डॉक्टर इरफान, आप अपने कैमरे को बंद रखें और क्लास के दौरान आप भी एक अच्छे स्टूडेंट होने का समय, ये कोई तरीका कार नहीं है कि व्हाइट बोर्ड के ऊपर आप भी लाइनें मारना शुरू कर दें। इफ यू आर रियली अ डॉक्टर यू शुड नो द डायग्राम ऑफ क्लास। इसके बाद फिर अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। और इवन के कई दफा जो है वो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पीएमएस पंजाब के अंदर भी, पीएमएस केपीके के अंदर भी, और सीएसएस के अंदर तो 7 to 8 टाइम्स कि व्हाट इज रिलीजन, मजहब क्या है। दूसरे नंबर पर व्हाट इज दीन, दीन क्या है। तीसरे नंबर पर इसी क्वेश्चन के अंदर हम समझेंगे व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड दीन, दीन और मजहब में फर्क क्या है। फिर चौथे नंबर पर इसी क्वेश्चन के अंदर हम समझेंगे कि नीड ऑफ रिलीजन इन मॉडर्न एज, कि आज हमारी जो 21st सेंचुरी है, तो हमारी 21st सेंचुरी के अंदर, बस ठीक है डॉक्टर इरफान अगर आपने अपोलोजाइज किया है तो इट्स ओके फाइन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको अपोलोजाइज करने की भी जरूरत नहीं है। हम यहां पर सारे सीखने के लिए आए, माफिया मांगने के लिए थोड़ी ना आए। लेकिन अगर आप इतना बड़ा मैसेज लिखेंगे तो ऑब्वियसली फिर मुझे भी कुछ कहना पड़ेगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि रिलीजन क्या है। मजहब क्या है, व्हाट इज रिलीजन, और हाँ एक बात और डॉक्टर इरफान, ये टांग तुमने ही अटाई थी, मैं तो इस्माइल से बात कर रहा था, कमेंट तुमने इस्माइल के बारे में किया था। पुत्र हुण पंगा लै के ते तू इमोशनल ना हो ना सानू इमोशनल कर, जदू पंगा लिया ते हुण बर्दाश्त भी कर। तो मजहब या रिलीजन क्या है, आपने ये अक्सर नाम सुना होगा, क्या कहा जाता है मजहब या रिलीजन है क्या, व्हाट इज रिलीजन। क्यों क्लास, अक्सर ये वर्ड आपने सुना होगा कि मजहब क्या होता है, रिलीजन किसे कहा जाता है। जब हम देखते हैं रिलीजन तो हमें पता चलता है कि इसका लिटरल मीनिंग क्या है। आपको याद है लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा बताया भी था कि इसका लिटरल मीनिंग क्या है, इसका कंटेक्चुअल मीनिंग क्या है।
तो जब हम इसका लिटरल मीनिंग देखते हैं, हमें पता चलता है कि इट्स अ लैटिन वर्ड, और लैटिन वर्ड है ये बनाया गया है रिलीजियो या रिलीजियस से, रिलीजियो या रिलीजर, दीज आर द टू वर्ड्स जिनसे बनाया गया है रिलीजन। तो रिलीजियो या रिलीजर का लफ्जी मतलब क्या है, टू सब्जुगेट, टू सब्जुगेट के किसी को अपना मातहत बना लेना, किसी को अपना फॉलोअर बना लेना, ये रिलीजन कहलाता है। तो टू मेक सब्जुगेट टू मेक फॉलोअर। अच्छा, ये सब्जुगेशन का मतलब क्या होता है? कहा जाता है कि जी किसी की इताअत करना, किसी का मातहत बन जाना, किसी का फॉलोअर बन जाना, दैट इज कॉल्ड रिलीजन। अच्छा, ये सब्जुगेशन किसकी होनी चाहिए? तो हमें पता चलता है कि सब्जुगेशन ऑफ अ सुपर नेचुरल पावर, सब्जुगेशन ऑफ अ सुपर नेचुरल पावर, डाइटी और गॉड इज कॉल्ड रिलीजन। सब्जुगेशन ऑफ अ सुपर नेचुरल पावर, डाइटी और गॉड इज कॉल्ड रिलीजन। कि किसी खुदा की, किसी देवता की, किसी माफूकुल फितरत ताकत की इताअत करना, उस पर अमल करना मजहब कहलाता है। और जब हम इसका कंटेक्सुअल मीनिंग देखते हैं तो हमें पता चलता है कंटेक्सुअल मीनिंग ऑफ रिलीजन के अंदर कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को समझ आई कि रिलीजन का लिटरल मीनिंग क्या है और कंटेक्सुअल मीनिंग क्या है? आसिम बताता हूं अभी उर्दू में क्या है, पहले ये बताएं इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को समझ आ गई कि रिलीजन का लिटरल मीनिंग क्या है और कंटेक्सुअल मीनिंग क्या है। तो जब हम रिलीजन का उर्दू में देखते हैं तो इसे हम कहते हैं मजहब, और मजहब वर्ड बनाया गया है जाहब से। ईशा, मजहब वर्ड बनाया गया है जाहब से, मीम हटा देना तो पीछे जाहब बच जाता है। मजहब वर्ड बनाया गया है जाहब से, और जाहब का लफ्जी मतलब है तरीका या रास्ता। नायाब, क्या मतलब है इसका? जाहब का लफ्जी मतलब है तरीका या रास्ता, तो मजहब का मतलब है किसी भी बताए हुए तरीके पर चलना, किसी भी बताए हुए रास्ते पर चलना, किसी भी तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारना। मजहब का लफ्जी मतलब क्या है? कि किसी भी तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारना, किसी बताए हुए रास्ते पर चलना। और जब हम इस्तलाह में देखते हैं तो इस्तलाह में हमें पता चलता है कि मजहब एक ज़ाब्ता हयात है, मजहब जिंदगी गुजारने का एक तरीका है, मजहब जो है वो जिंदगी गुजारने का हमें एक मुकम्मल तरीका फरहम करता है। अब आपको समझ आई कि उर्दू में मजहब क्या है? जी, इंग्लिश उर्दू दोनों को आप क्लियर? तो अरबाज, इसके बाद ना फिर अब हम समझते हैं कि मजहब होता क्या है। तो नायाब, हमारा एक सब्जेक्ट भी है, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, एंथ्रोपोलॉजी। नाम सुना है किसी ने एंथ्रो का? एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम रिलीजन को एज एन इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं कि कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे हमारी सोसाइटी का हिस्सा बना। तो अली, एक बड़ा फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उसका नाम है एडवर्ड टेलर। बड़ा फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और उसका नाम है एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर कहता है कि टू बिलीव इन स्पिरिचुअलिज्म कॉल्ड रिलीजन, रूहानियत पर यकीन कर लेना मजहब कहलाता है। आरिफ क्या कहता है? कि रूहानियत पर यकीन कर लेना मजहब कहलाता है। आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया है कि स्पिरिचुअलिज्म क्या है, रूहानियत क्या है भला? क्यों हुमैरा, रूहानियत क्या है?
जी, ये वही है ईबी टेलर, उसी को तो ई से एडवर्ट कहा जाता है ना। फरोख एडवर्ट टेलर कहता है कि टू बिलीव इन स्पिरिचुअलिज्म इज कॉल्ड रिलीजन, रूहानियत पर यकीन कर लेना मजहब कहलाता है। रूहानियत क्या होती है, कोई है थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को, रूहानियत क्या है भला? देखिए स्पिरिचुअलिज्म होता है कि इफ यू बिलीव इन एंजल्स, इफ यू बिलीव इन होली स्पिरिट, इफ यू बिलीव इन सोल, और आप हेवन एंड हेल के ऊपर बिलीव कर लें, आप जो है वो अनदेखे खुदा के ऊपर यकीन कर लें, तो इन तमाम चीजों पर यकीन कर लेना रूहानियत कहलाता है। इन्हें आप मेटाफिजिकल थिंग्स भी कहते हैं। उस्मान, आपने नाम सुना है मेटाफिजिकल चीजें, माफूकुल फितरत, तो ये मेटाफिजिकल चीजों के ऊपर यकीन कर लेना रूहानियत कहलाता है। अच्छा, इसके बाद फिर एक बड़ा फेमस सोशियोलॉजिस्ट है, शायद आपने उसका भी नाम सुना हो, एमाइल दुर्खाइम। इसका नाम सुना हो शायद आप लोगों ने, बड़ा फेमस सोशियोलॉजिस्ट है। एमाइल दुर्खाइम कहता है कि अगर आपके कुछ अकीदे बन जाएं और वो अकीदे खुदा की जात से मुतल्लिक हो तो उन पर अमल करना मजहब कहलाता है। क्या कहता है सुमेरा? कि अगर आपके कुछ अकीदे बन जाएं और वो अकीदे खुदा की जात से मुतल्लिक हो तो उन पर अमल करना इंसान, उन पर अमल करना मजहब कहलाता है। जी, अब लोगों के अकीदे बन जाते हैं ना खुदा की जात से मुतल्लिक, कि किसी ने टूटे हुए तारे को देखा, उसने विश किया, उसकी विश कबूल हुई, अकीदा बन गया कि टूटे हुए तारे को देख के जब भी दुआ मांगोगे अल्लाह लाजमी कबूल करेंगे। इसी तरह एक इंसान ने वेल के अंदर कॉइन को थ्रो किया तो उसकी भी विश पूरी हुई, लोगों का अकीदा बन गया कि इस कुएं में जब भी हम सिक्का डालेंगे हमारी दुआ लाजमी कबूल होगी। बल्कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी में भी कहते हैं ना कि फलाने मजार पे जाके धागा बांध दो तो महबूब आपके कदमों में, ऐसे ही ना कि अकीदे बन जाते हैं लोगों के, कि CSS में यकीनी कामयाबी, और वो अकीदे होते हैं ना कि अगर आप फलाने मजार पे जाके धागा बांध दे तो महबूब आपके कदमों पे। बल्कि यार बाज औकात तो सुमेरा पीर साहब को बताना पड़ता है कि पीर साहब तावीज थोड़ा जहा पुठा पै गया है। वकार कहते हैं ना पीर साहब को कि पीर साहब तावीज थोड़ा जहा पुठा पै गया है, महबूब कदमा की बजाय गल नू आ गया, उन जान ही छुड़ा दो। ऐसे है ना कि वो कहते ने पीर साहब उन तो जान ही छुड़ा दो साड़ी पास। तो अगर अकीदे बन जाए और उन अकीदों पर हम अमल करना शुरू कर दें तो ये मजहब कहलाता है। आपको एमाइल दुर्खाइम की भी डेफिनेशन की समझ आई फर्रुख, के एमाइल दुर्खाइम क्या कहता है? अच्छा, इसके बाद फिर आपको एक और डेफिनेशन बताता हूं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, फर्रुख ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक हमें पता चलता है कि रिलीजन में वो कहते हैं आपके होते हैं बिलीव्स, आपके होते हैं बिलीव्स, और आप उन बिलीव्स के मुताबिक जब सर्टेन कस्टम्स को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं ये रिलीजन कहलाता है। फरा क्या कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक मजहब के अंदर आपके अकीदे होते हैं और उन अकीदों के मुताबिक जब आप सर्टेन कस्टम सर्टेन रिचुअल्स को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं तो ये आपका मजहब कहलाता है। यहां तक आप लोगों को समझ आई कि ये क्या है? अगर यहां तक समझ आ गई तो इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हाँ, अली गफार, ये डेफिनेशन हम आगे अभी फर्क जब पढ़ेंगे ना उसके अंदर देखेंगे, मैं भी आपको फर्क कराऊंगा उसमें, जरा ये मजीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहां तक आपको समझ आ गई कि दुर्खाइम क्या कह रहा है कि लोगों का अकीदा बन जाता है और बन जाता है खुदा की जात से मुतल्लिक, कि यार मैं ये एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा ना तो मेरी दुआ लाजमी कबूल होगी या मेरी मुराद लाजमी पूरी हो जाएगी।
अब यहां पर मैं आपको एक मुस्लिम स्कॉलर का रेफरेंस भी देता हूं। एक बड़े फेमस मुस्लिम स्कॉलर हैं डॉक्टर इसरार अहमद, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, बड़े फेमस मुस्लिम स्कॉलर हैं डॉक्टर इसरार अहमद। डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि रिलीजन इज द नेम ऑफ थ्री थिंग्स, मजहब तीन चीजों पर मुश्तमिल होता है। डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि मजहब के अंदर सबसे पहले नंबर पर आते हैं आपके अकायद, मजहब के अंदर सबसे पहले नंबर पर क्या आते हैं, अकायद। अच्छा, अशफाक दूसरे नंबर पर ये कहता है कि अकायद के बाद उन अकायद की रोशनी में ही सर्टेन रिचुअल्स हैं जिन्हें आप कहते हैं इबादात। ऐसे ही ना कि मजहब के अंदर आपके अकायद होते हैं, आपकी इबादात होती हैं। और तीसरे नंबर पर फिर वो कहता है कि अकायद और इबादात के बाद इसके अंदर सर्टेन सोशल फंक्शंस भी होते हैं, सर्टेन सोशल फंक्शंस। और सर्टेन सोशल फंक्शंस क्या है भला? सर्टेन सोशल फंक्शंस के अंदर हमें पता चलता है कि कुछ सामाजिक त्यौहार भी होते हैं। हर मजहब दुनिया का बताता है कि यार कोई बच्चा पैदा हुआ है तो कैसे सेलिब्रेट करना है, उसके साथ क्या करना है, कोई मर गया है तो उसकी बॉडी को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, सोसाइटी में खुशी और गमी के कौन कौन से त्यौहार होते हैं, हर मजहब बताता है। तो डॉक्टर इसरार अहमद के मुताबिक मजहब अकायद इबादात और समाजी त्यौहारों के मजमुए का नाम है। इधर समझ आई सारे लोग? अब रिलीजन में कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछें। अगर ये क्लियर है तो फिर मैं दीन करा दूं। फाइक लिखा हुआ तो है कि ऑक्सफोर्ड के मुताबिक आपके अकायद होने चाहिए, और अकायद के मुताबिक जब लोग अपने कस्टम्स को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, ये मजहब कहलाता है। अब हम देख लेते हैं फिर दीन क्या होता है। What is deen? अच्छा देखो यार, कई लोगों के ना बड़े प्राइवेट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, वो डायरेक्ट मैसेज करते हैं। जो टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं होता ना, मैं उसे स्किप कर देता हूँ। उसकी रीजन ये है कि यार प्राइवेट क्वेश्चंस का आंसर प्राइवेटली किया जा सकता है क्लास के टाइम पर। ऐसे ही ना कि अब आप तो क्वेश्चन करें प्राइवेट और मैं 100 बच्चों के सामने उसका आंसर करना शुरू कर दूं, अनएथिकल है। तो आप ये मुझसे फिर बाद में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका ताल्लुक हमारे कोर्स से नहीं है। तो जब हम बात करते हैं दीन की, तो जब हम बात करते हैं दीन की तो हमें पता चलता है दीन इज एन अरेबिक वर्ड। Deen is an Arabic word. Deen is an Arabic word. Deen अरबी ज़बान का वर्ड है, और दीन का लफ्ज़ी मतलब है टू अटेन सुपरमेसी, टू अटेन सुपरमेसी, to attain a dominion status. To attain supremacy, to attain a dominion status is called deen. क्या मतलब है दीन का भला? के गलबा या बुलंदी हासिल कर लेना। अच्छा, अगर शदाब आप गौर करो, वाकई यार इस्लाम और एज अ दीन जिंदगी के हर मामले में अपना गलबा बरकरार रखना चाहता है ना। हमें पता चलता है कि इस्लाम एक दीन है तो हर चीज फिर दीन के मुताबिक होती है। इवन के वो इकबाल का फेमस शेर भी है, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। ऐसे ही ना कि आप तो सियासत को भी दीन से अलग नहीं कर सकते, अगर अलग कर देंगे तो पीछे बच जाने वाली चीज का नाम ब्रूटलनेस है। अच्छा, जब हम इसका कंटेक्चुअल मीनिंग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस्तलाह में इससे क्या मुराद है। इस्तलाह में इससे मुराद है, इट्स अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, इट्स अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ।
ये एक मुकम्मल जाब्ता हयात है, इट्स अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, ये एक मुकम्मल जाब्ता हयात है, इट्स अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, ये एक मुकम्मल जाब्ता हयात है। अच्छा, आप अगर फर्क को समझना शुरू कर दें तो हमारा, आपने रिलीजन के अंदर क्या लिखा था, रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ, ऐसे ही ना रिलीजन में क्या लिखा है शादाब हम सारे लोगों ने, कि रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ, लेकिन दीन में आपने लिख दिया कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। आपको यह फर्क समझ आया कि रिलीजन क्या है, अ वे ऑफ लाइफ, जबकि दूसरे नंबर पर हमें पता चलता है कि दीन क्या है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। और थैंक यू मारिया। यहां तक आपको पहला फर्क क्लियर हो जाना चाहिए कि रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ, दीन इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। एनी हाउ, आपको दीन का लिटरल और कंटेक्सुअल मीनिंग समझ आ गया, तो अब हम पढ़ लेते हैं कि शरिया की रूह से दीन के क्या माने। अब हम पढ़ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू शरिया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दीन। अच्छा, यहां पर आप तमाम लोगों ने एक बात नोट की है कि मैं दीन की डेफिनेशन तो शरीयत की रूह से पढ़ा रहा हूं, रिलीजन की डेफिनेशन मैंने शरीयत की रूह से नहीं पढ़ाई। ऐसे है ना कि यार रिलीजन में मैंने आपको लिटरल मीनिंग पढ़ाया, कंटेक्सुअल मीनिंग पढ़ाया, इसके बाद फिर मैंने आपको डिफरेंट स्कॉलर्स की डेफिनेशन तो पढ़ाई, लेकिन शरीयत की रूह से नहीं पढ़ाया कि मजहब क्या है। अब आप देखिए, दीन में मैं आपको जब लिटरल मीनिंग पढ़ा रहा हूं, कंटेक्सुअल मीनिंग पढ़ा रहा हूं, तो अब बता रहा हूं कि शरीयत की रूह से दीन क्या है। समीर, आपने याद रखना है कि इस्लाम इज द दीन नॉट अ रिलीजन, इसीलिए फिर शरीयत ने दीन की डेफिनेशन दी है, रिलीजन की डेफिनेशन नहीं दी। तो जब हम बात करते हैं शरीयत की रूह से दीन की, तो हमें पता चलता है कि दीन के चार अहम अज्जा हैं। दीन हैज फोर असेंशियल कंपोनेंट्स, दीन चार अहम अज्जा पर मुश्तमिल होता है। दीन हैज फोर असेंशियल कंपोनेंट्स, दीन के अंदर चार चीजें आती हैं, चार अनासिर हैं। सुमेरा, दीन के अंदर सबसे पहले नंबर पर आता है टू एडमिट द सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह। आप लोगों की पाकिस्तान अफेयर की क्लासेस हो रही, अगर हीरा बीइंग एन इंडिविजुअल हमसे कोई पूछ ले कि आपका सॉवरन कौन है, आपका मालिक कौन है, तो हम क्या कहेंगे फिर, हमारा सॉवरन, हमारा मास्टर, हमारा मालिक कौन है, हम किसके बंदे हैं भला।